क्या पवन सिंह पहले से बदल गए? पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो चलिए, पहले आज की बहुत बड़ी खबर है, पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखिए आप, ये पवन सिंह का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है और यहाँ पर पवन सिंह ने देखिए कि किस तरह से मैसेज किया है कि हैप्पी बर्थडे ऋषभ बेटा। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप देखिए खेसारी लाल यादव ने रिप्लाई किया है कि थैंक यू भैया, आपने बेटे को आशीर्वाद दिया, यानी कि बहुत बड़ी बात ये, क्योंकि जिस तरह से खेसारी और पवन को एक दुश्मनी में तोला जाता है, उसके बाद इस तरह के गेस्चर जहाँ पवन सिंह खेसारी को बर्थडे विश करते हैं, उनके बेटे को विश करते हैं, साथ ही आपने देखा होगा कि पवन सिंह खेसारी के लिए केक ले जाते हैं, केक कटिंग करते हैं। और शुरुआत ये पहल जो थी वो खेसारी की तरफ से ही हुई है। खेसारी ने अपना बड़ा भाई मानकर पवन सिंह के पास पहले गए हैं, उनके सामने केक काटा है उनके बर्थडे का। आप सभी ने देखा होगा पवन का बर्थडे पहले आता है जनवरी में, और मार्च में आता है खेसारी का बर्थडे। और अब पवन सिंह एक स्टेप और आगे गए हैं, खेसारी के बेटे ऋषभ को बर्थडे विश किया है और ऋषभ की बहुत प्यारी फ़ोटो भी उन्होंने पोस्ट की है। तो ये सब कुछ जो है वो हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले पवन सिंह ऐसे नहीं थे। पहले पवन सिंह ना पार्टियां अटेंड करते थे, ना ही अवार्ड शो, ना ही किसी कंट्रोवर्सी पे बोलना, और ना ही अपना कोई सी पक्ष पर रिएक्शन देना। लेकिन अब धीरे धीरे वो बहुत वोकल हो रहे हैं और ये उनकी एक अलग पर्सनालिटी जो उभर कर आ रही है, उनके फैंस को बहुत पसंद आ रही है। खासकर उनके फैंस आजकल जो हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अब उन्हें लगता है कि सुपरस्टार पवन सिंह क्या करने वाले हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप ऋषभ को हैप्पी बर्थडे विश करना भी मत भूलिए। उन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं कमेंट में। भोजपुरी का ये बदलाव बहुत ही खूबसूरत है, और इसी खूबसूरती के साथ अगर भोजपुरी आगे बढ़ता है तो यकीन मानिए कि एक दिन ये भी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी और हाई लेवल इंडस्ट्री के रूप में जानी जाएगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।